मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसे हूँ राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी माँ भवानी से विनती कर रहे हैं। राग मारू पर आधारित है यह संस्कृत की स्तुति, और तुलसीदास जी ने यहाँ पर भवानी माँ जगदम्बा का जो शक्ति रूप दिखाया है वह अति सुंदर है। उन्होंने कह दिया है माँ भवानी से कि आपने ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश किया, उनके अंग भंग कर दिए, सबको तोड़ डाला, उनके अहंकार को। आप अनेक दुस्सह दुखों को, कष्टों को, दोषों को, सबको दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो इस तुलसीदास जी पर भी अपनी दया दृष्टि डालिए और मुझे भी राम की भक्ति का वर दीजिए। तो किस प्रकार से वे माँ भवानी की शक्ति का, उनके शक्ति प्रदर्शन का वर्णन करते हैं वह श्रवणीय है। तो आइए हम माँ भवानी के उस शक्ति रूप के साथ एक रूप होकर अपने भीतर बसी हुई राक्षसी सेनाओं का संहार करते हैं। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, विश्वमूलासी जन सानुकूलासी, कर शूल धारणी महामूल माया। तड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत, दिव्य पट भव्य भूषण बिराजय। बाल मृग मंजुखंजन बिलोचनी, चंद्र वदनी लख कोटि रतिमार लाजय। रूप सुखशील सीमासी भीमासी, रामासी वामासी वर बुद्धिबानी। छमुख हेरम्ब अम्बासी, जगदम्बिके शंभु जायासी, जय जय भवानी। चंड भुज दंड खंडनी विहंडनी, महिष मुंड मद भंग अंग कर अंग तोरे। शुंभ निशुंभ कुंभीश रण केशरीषिणी, कोध वारिश अरिवृंद बोरे। निगम आगम अगम गुरवी, तव गुण कथन उर्वी धर करत जेही सहस जीहा। देहि मा मोहिपन प्रेम यह नेम निज, राम घन श्याम तुलसी पपीहा। हे देवी, तुम दुस्सह दोषों और दुखों का दमन करने वाली हो। माँ भवानी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी सबसे पहले उनसे यही कह रहे हैं कि आप जितने भी दोष हैं, कैसे दोष, दुस्सह जो सहन नहीं हो सकते, बहुत कठोर दोष हैं और दुख हैं, आप उनका दमन करने वाली हैं, मुझ पर दया करो। कर देवी दाया, हे देवी मुझ पर दया करो। क्या दया करो? इन दुस्सह दोषों से और दुखों से मुझे मुक्त कर दो। तुम कैसी हो? तुम विश्व ब्रह्मांड की मूल उत्पत्ति का स्थान हो, भक्तों पर सदा अनुकूल रहती हो। जब जब भक्तों के ऊपर कोई भी कष्ट आया, तब तब आपने क्या किया? दुष्ट दलन के लिए हाथ में अपना त्रिशूल धारण करके और उनका संहार किया। तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली मूल अव्याकृत प्रकृति हो। तुम्हारे सुंदर शरीर के समस्त अंगों में बिजली चमक रही है। भवानी की जो देह है वे अद्वितीय है, और करोड़ों बिजलियां जैसे चमकती हों, इस प्रकार से उनकी कांतिमान देह सदा प्रकाशित रहती है। और क्या है, उस पर दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषण शोभित किए हो। सब कुछ दिव्य है, वस्त्र भी आभूषण भी। और तुम्हारे नेत्र कैसे हैं? जैसे मृग छोने और खंजन के समान, मृग नयने और खंजन पक्षी के नेत्र बड़े सुंदर कहे जाते हैं, उनके समान है। मुख कैसा है? मुख जैसे चंद्रमा हो। चंद्रमा के समान क्यों कहा? चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला, अमृत बरसाने वाला।
और क्या है, तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव वो भी लज्जा जाते हैं, वे भी फीके पड़ जाते हैं। उनका कोई भी सामर्थ्य, कोई भी अहंकार तुम्हारे सामने उठकर खड़ा नहीं होता। क्या है करोड़ों कामदेव और रति भी, वे भी भवानी के सौंदर्य के आगे बिल्कुल निस्तेज हैं। तुम क्या हो, तुम रूप सुख और शील की सीमा हो, अर्थात भवानी पर जाकर सारे सुख, रूपों की सारी सुंदरता, शीलता, शिष्टाचार सब वहीं जाकर समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। दुष्टों के लिए तुम कैसी हो, बड़ा भयानक रूप धारण करने वाली। समय समय पर जब भी राक्षसों ने अत्याचार किया तो भवानी ने ऐसे भयानक रूप धारण किए कि दुष्टों की आत्मा तक कांप उठी। और भवानी तुम क्या हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही पार्वती हो और तुम ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली सरस्वती हो, सब कुछ तुम ही हो। तुम स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की माता ही नहीं हो केवल, बल्कि क्या हो, आप ये मत समझ लीजिएगा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप केवल गणेश जी की और कार्तिकेय जी की माता है, नहीं, आप जगदम्बा हैं, जगत जननी हो, शिव जी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, भवानी की जय जयकार। तुम चंड दानव के भुज दंडों का खंडन करने वाली हो, चंड एक एक दानव को काट काट कर फेंक दिया भवानी ने। महिषासुर को मारने वाली हो, महिषासुर मर्दनी, ऐसे ऐसे राक्षस जो किसी से काबू नहीं आ सकते थे उनको जगदम्बा ने देखते ही देखते मार डाला। मुंड दानव के घमंड का तुम्हीं ने नाश किया और उसके अंग प्रत्यंगों को तुमने ही तोड़ा था। और जो ये शुंभ निशुंभ जैसे मतवाले हाथी थे, उन पगलाए हुए मतवाले हाथियों के लिए तो तुम जैसे रण की सिंहनी हो गई थी, उनको फाड़ डाला। तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के दल डुबो दिए। राक्षसों की सेनाएं आई थी, सबको जगदम्बा ने अपने क्रोध के सागर में डुबा दिया। ऐसी किलकारी मारती थी कि हृदय फट जाते थे राक्षसों के, ऐसा भयंकर रूप। वेद शास्त्र और शेषनाग जी जो कि सहस्र जीव वाले हैं, वे भी आपका गुणगान करते हैं, परंतु फिर भी उन सब के लिए भी आपका पार पाना बहुत कठिन है। माँ भवानी का वे पार पा सकें, संभव नहीं। गुणगान कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, हे जगदम्बे, हे माँ भवानी, हम आपका पार कभी नहीं पा सकते। अब तुलसीदास जी अपने स्वार्थ की बात कह रहे हैं, अपने मतलब की बात। क्या कहते हैं कि हे माता, मुझ तुलसीदास को, ये जो दास है तुलसी, इस पर श्री राम में वैसा ही प्रेम और नेम दो, ऐसा ही प्रण दो, प्रतिज्ञा दो, भीतर की ऐसी प्यास दो जैसा चातक का काले मेघों की तरफ होता है। चातक पक्षी सदा मेघों की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। चातक के लिए जो श्याम मेघ हैं, जल से भरे हुए मेघ, उनके अतिरिक्त उसकी दृष्टि कहीं और नहीं जाती। उसका एकमात्र पूरा ध्यान बस उन मेघों पर लगा रहता है। तो तुलसीदास जी उदाहरण के माध्यम से भवानी से, माँ जगदम्बा से यह वरदान मांग रहे हैं, विनती करते हुए कि कैसे मेरा मन राम की ओर लगा रहे, उस कैसे में आप मुझे चातक पक्षी बना दो, मैं चातक बन जाऊं और मेरे श्री राम वे घनश्याम बन जाएं और मैं निरंतर उनकी ओर टकटकी लगाए देखता रहूं, उनको निहारता रहूं, तृप्त होता रहूं। तुलसीदास जी की ये गहरी भाव दशा, उन्हें निरंतर राम की ओर एक मना होने के लिए प्रेरित करती जा रही है। वे एक मन वाले होकर राम की ओर सतत बढ़ रहे हैं और उसके लिए
दैविक शक्तियों से निरंतर वे अनुनय विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, फरियादे लगा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे तुलसीदास, क्या क्या नहीं कर रहे। और यही ये सीखने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। बस तुलसीदास क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इतनी बात भर समझ में आ गई तो बात बन जाएगी।